हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज कोई वीडियो नहीं है, आज मैंने एक न्यू ट्राइपॉड परचेज़ किया है, उसकी असेंबलिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि पहले जो मैं ट्राइपॉड यूज़ करती थी वो गोरिल्ला ट्राइपॉड था, वो बहुत छोटा था और बड़ा नहीं हो पाता था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने न्यू ट्राइपॉड ऑर्डर किया है और मेरे पास आ भी गया है, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा है कि हम ने भी चैनल और मतलब स्टार्ट किया है, हम भी मेहंदी सिखाते हैं, आपसे मेहंदी सीखकर हम औरों को सिखाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी अगर ट्राइपॉड ख़रीदना चाहते हैं तो ये ट्राइपॉड ही ट्राई कीजिए, मेहंदी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके काफ़ी सारे टूल्स हमें मिले हैं, इसको असेंबल करेंगे, एक एक टूल्स के बारे में हम जानेंगे। कई टूल्स बड़े हैं, पहले से कनेक्टेड हैं, कुछ को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम सारे ओपन करके यहाँ रख लेते हैं और फिर हम इसे अच्छे से असेंबल करेंगे। हमें इसमें तीन तरह के मोबाइल होल्डर मिले हैं, कैमरे के लिए है, विद रिंग लाइट है, विदाउट रिंग लाइट है, इसलिए बहुत अच्छा है। बस मुझे इसमें एक होल्डर की क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक लगी है, विदाउट लाइट वाला, और सब चीज़ें एकदम बेस्ट हैं। ये होल्डर तो आप बाज़ार से सेपरेट भी ख़रीद सकते हो, ये ईज़िली मिल जाता है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और कुछ चीज़ें हमें इसमें कनेक्ट करनी है। ये वाला कैमरे के लिए है, जो मोबाइल होल्डर मिले हैं मैंने उनकी भी पिक इसमें डाली है अलग से, आप देख सकते हैं। पहला तो है कैमरे के लिए, दूसरा रिंग लाइट से अटैच होगा और तीसरा मतलब विदाउट रिंग लाइट है, तो आप तीनों तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं। मैं जैसे चौकी पर बनाती हूँ, टेबल पे भी बना लेती हूँ, पर ज़्यादातर तो मैं नीचे बैठकर ही बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं पे कनेक्ट करके इसे बताऊँगी। आप इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, टेबल पे कर सकते हैं, चेयर पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिलेगा डुलेगा या मोबाइल आपका गिर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजबूत है, ऐसे लाइट वेट भी नहीं है, बहुत ही अच्छा ये ट्राइपॉड है। अब हम इसे इसमें कनेक्ट कर देंगे, हमें उसे अटैच कर लिया, अब इसे कनेक्ट कर देंगे, इजीली कनेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको कनेक्ट करने में। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन ज़रूर है क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स हैं, कहाँ कैसे कनेक्ट होगा। मैंने इसको कनेक्टिंग का कोई वीडियो नहीं देखा है, मैंने तो बस खुद से ही ट्राई किया और मुझसे हो गया, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी पर सॉल्व हो गई थी। अब हम इसे इस स्क्रू से टाइट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। अच्छे से मैंने इसे टाइट कर दिया है। अब जो इसका हेड है उस हेड पे हम रिंग लाइट अटैच करेंगे। अगर आप रिंग लाइट अटैच नहीं करना चाहते हैं, विदाउट रिंग लाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मोबाइल होल्डर इस पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो दिन में ही बनाती हूँ, विदाउट लाइट ही यूज़ करूँगी, बट कभी कभी इच्छा कर गई रात में बनाने की तो रिंग लाइट भी हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूँ। अब ये जो बॉल है आगे, अब इसको कनेक्ट तो कर दूँगी पर करूँगी कैसे, उसको खोलूँगी फिर उसको कनेक्ट करूँगी, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया और अब इसे यहाँ कनेक्ट करना है, तो फटाफट खोला और उसे फटाफट अटैच किया, फिर इसको अटैच किया, ओके ये लग गया है। अब इसे हम रिंग लाइट में अटैच करेंगे। पहले हम उसके हेड को करेंगे, फिर उसके बाद में इसको करेंगे, इसलिए हम पहले इसके पीछे भी कनेक्टर है, यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, अब मैं आपको कैमरे से दिखा देती हूँ, ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है रिंग लाइट से, और अब हम इस होल्डर को रिंग लाइट में आगे की तरफ जो होल है उसमें हम इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आप इसे कनेक्ट करके बताती हूँ। कनेक्ट हो गया है, मोबाइल भी मैंने अटैच कर दिया है और रिंग लाइट अडेप्टर से कनेक्ट हो जाएगी और डायरेक्ट बिजली से चलेगी।
देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं चाहे जैसे आप इसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। बीच में देखो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, एकदम खाली पोर्शन है, आप इजीली मेहंदी बना सकते हो। आप कहीं भी हाथ टच नहीं होगा, आपको कैसे भी पैरों को एडजस्ट करके आप बैठ सकते हो, कैसे भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इसमें। और बहुत ही इजीली ये मोबाइल का वज़न क्या उठाएगा, इतना सारा इसने वज़न पहले ही उठा रखा है, इसलिए हिलने डुलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और जो लाइट है उसमें हमको तीन तरह की लाइट मिलेगी, ये ऑन बटन है, फिर येलो लाइट है, फिर वाइट लाइट है, फिर येलो लाइट और वाइट लाइट मिक्स है। ये देखिए ये वाइट लाइट है, जैसी चाहे लाइट में आप मेहंदी बना सकते हैं, मेहंदी बनाइए या कोई भी आपका चैनल हो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं उस तरह से। ओके, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और अगर भी आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे ख़रीद सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ओके, ये देखिए मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। इसमें कैमरे के साथ दो टूल्स हैं, उनका पिक भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली मेहंदी की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अच्छे से मेहंदी सीखते रहें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।